हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर 2017 में आया था रीपेयर वालों के लिए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स टू, सेक्शन ए और फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़े ही जनरल है, बार बार रिपीट होते हैं। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल रखी हैं, उन पर जाके देखिए, बार बार क्वेश्चन यही रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज CMRR? बी, व्हाट इज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर? सी, व्हाट इज बैंडविड्थ? डी, एन आइडियल ओप एम्प एज गेन डैश? वट इज़ वोल्टेज एम्पलीफायर? एफ, एक्सप्लेंड SMPS? जी, वट इज़ एस स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर? एच, वट इज़ स्ल्यू रेट? आई, वट इज़ क्लैम्पिंग सर्किट? जे, वट इज़ ऑसिलेटर? इसके अंदर हमारे पास 18 क्वेश्चन होते हैं, 18 में से हमको 15 करने होते हैं। के, ड्रॉ डायग्राम ऑफ एन एडर ओप एम्पलीफायर। आई, वट इज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर? एम, टू टाइप ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। एन, टाइप्स ऑफ फीडबैक। क्यू, वट इज डिस्टोर्शन? पी, फॉर नेगेटिव फीडबैक गेन डैश इज इक्वल टू? के, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैज डैश स्टेबल स्टेट। आर, वट इज हीट सिंक? ये हो गए हमारे 18 क्वेश्चन। इनमें से आपको चॉइस मिलती है, आपकी इच्छा होती है, जो उनसे आपको 15 बेस्ट आते हैं ना, आपको वो करने होते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, हाउ ट्रांजिस्टर वर्क एज ए स्विच? ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे काम करता है? बी पार्ट, वाई इम्पीडेंस मैचिंग इज डन इन एम्पलीफायर्स? इम्पीडेंस मैचिंग एम्पलीफायर्स में क्यों की जाती है? थर्ड, वाई मल्टी स्टेज एम्पलीफायर आर नीडेड? मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? फोर्थ, वट इज बार क्वेश्चन का राइट कंडीशन फॉर ऑसिलेशंस? बार क्वेश्चन कंडीशन बताइए ऑसिलेशंस के बारे में आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट इज लोड रेगुलेशंस? लोड रेगुलेशन क्या है आपको उसके बारे में बताना है। 6th, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन SMPS, ये बार बार होता है रिपीट SMPS वाला क्वेश्चन। तो 7th, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ RC कपल्ड एम्पलीफायर। 8th, हाउ ओप एम्पलीफायर वर्क एज एन इंटीग्रेटर। 9th, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन गेन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एम्पलीफायर। 10th, write a short note on tuned amplifier. 11th, what are wave shaping circuit? 12th, what is bistable multivibrator? Write its applications. Important question hai wale bhi. 13th, draw block diagram of ideal op amplifier. Aapko diagram banana hai block wo bhi ideal op amplifier ke bare mein. 14th, what is the working principle of Colpitt oscillator? किस प्रिंसिपल में काम करता है कॉलपिट ऑसिलेटर? बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बताना है। 15th, व्हाट इज हार्मोनिक डिस्टोर्शन? हार्मोनिक डिस्टोर्शन किसे कहते हैं? इसमें होते हैं हमारे पास 15 क्वेश्चन, इसमें से हमें 10 करने होते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके अंदर होते हैं हमारे पास 5 क्वेश्चन, 5 में से हमको इसके अंदर करने होते हैं 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन पुश पुल एम्पलीफायर एंड कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। लास्ट 3 सालों से रिपेयर वालों में भी आ रहा है, नॉर्मल रेगुलर पेपर में भी आ रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4th, एक्सप्लेन एमीटर फॉलोवर एम्पलीफायर एंड इट्स वेरियस एप्लीकेशंस। एमीटर फॉलोवर बताना क्या है एम्पलीफायर, उसके एप्लीकेशन देखनी है। 5th, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर। जो वेन ब्रिज ऑसिलेटर उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC555 इन डिटेल एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, IC555 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ DC पावर सप्लाई। बी पार्ट ऑफ स्कीमिक ट्रिगर सर्किट। ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पूरा होता है, ये क्वेश्चन पेपर 2017 का जो रिपेयर में पेपर हुए थे मई में, वो वाला ही है। थैंक्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।